तो चलिए सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई अपडेट में। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है, जो कि 21.1 का एक न्यू वर्जन आप लोगों के प्ले स्टोर में आ चुका है, जिसमें कि आप सभी के लिए पांच महत्वपूर्ण अपडेट हैं। पांचों महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जानने के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। यदि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए उस अपडेट के बारे में जानते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से पोषण ट्रैकर ऐप से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। चलिए हम यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिएगा पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर लिख के जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिखने लगेगा। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और इसको अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे टच करेंगे और इसके बाद इसमें जो न्यू अपडेट आया हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो न्यू अपडेट है वो क्या है। तो आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला जो अपडेट है कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग आपके पोषण ट्रैकर ऐप में क्या है, किस प्रकार से आप लोगों को कलर कोडिंग के माध्यम से जो बेनिफिशरीज हैं उनको समझना है। लिखा गया है न्यू यूआई इंट्रोड्यूस्ड ऑन लिस्ट पेज, यानी कि एक लिस्ट पेज आप लोगों के लिए कलर कोडिंग का दिया गया है, जिसमें कि आप लोग कलर कोडिंग के माध्यम से जो बेनिफिशरीज हैं उनको पहचान करेंगे कि वो कौन से बेनिफिशरीज हैं, ठीक है। दूसरा जो अपडेट है वो कंसेंट टेक्स्ट इज एडेड इफ़ द डिवाइस इन डीबग मोड। तो डीबग मोड क्या है वो भी हम आगे जानेंगे इस वीडियो में। तीसरा अपडेट है THR और SCM डाटा सिंकिंग इशू फ्रॉम ऑफलाइन मोड इज फिक्स्ड, यानी कि जो आप लोग THR और SCM देते थे जिसमें कि आप लोग ऑफलाइन मोड में जो इशू चल रहा था उसको यहां पे फिक्स किया गया है। चौथा अपडेट आप लोगों का आधार वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, यानी कि आप लोग आधार वेरिफिकेशन करते टाइम आप लोगों को एरर का जो मैसेज इशू शो हो रहा था उसको भी यहाँ पे फिक्स किया गया है। और पांचवा अपडेट आपको यहाँ पे ऐप ऑप्टिमाइजेशन के रूप में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद 20.1 का न्यू वर्जन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि अपने पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। अपडेट करने के बाद आप लोग यहाँ से ओपन करेंगे। अब हम लोग चलते हैं जो न्यू अपडेट आया है कलर कोडिंग वो क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो सभी सेविका बहनें आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करके समझाऊंगा कि न्यू अपडेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप ओपन हो रहा है, ठीक है। अब ओपन होने के बाद जो पहला अपडेट आया हुआ है उसको देखने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, तो आप लोग यहाँ पे लाभार्थी वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल हैं वो आप लोगों के सामने आ जाएंगे। यहाँ पे गर्भवती महिला और 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इनमें आपको कलर कोडिंग दिया गया है और इन्हें में आप लोगों को समझना है कलर कोडिंग क्या है और किस प्रकार से इन बेनिफिशरी को कलर कोडिंग के माध्यम से पहचान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो धात्री महिला है इसमें आप लोगों को कोई भी कलर कोडिंग नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले गर्भवती महिला की कैटेगरी को ओपन करके दिखाते हैं और आपको समझाते हैं कि कलर कोडिंग क्या है और किस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को समझना है। जैसे ही गर्भवती महिला वाली कैटेगरी को ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो गर्भवती महिला की लिस्ट है सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाया जाएगा व्हाट डू द कलर्स ऑन दिस पेज, यानी कि जो कलर आप लोगों को दिया गया है इस पेज पे क्या कर रहा है, कि इसका काम क्या है, आप लोगों को यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके इसको समझ लेना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको जो ट्राइमेस्टर माह और वीक दिया है इसको समझना है कि जो कलर आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे ग्रीन कलर, येलो कलर और रेड कलर, इससे हमें क्या पहचान करनी है। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो भी गर्भवती महिला होगी वो यहाँ पे 0 से लेकर 3 माह के बीच में होगी, तो इसको हम लोग पहचान कर सकते हैं ग्रीन कलर से। और यहाँ पे वीक आप लोगों को दिखाया जाएगा 0 से लेकर 13 वीक तक, ठीक है। दूसरा इसी प्रकार से है जो येलो कलर का साइन दिया गया है जिसमें कि आप सेकंड ट्राइमेस्टर की जो भी गर्भवती महिला होगी उनको यहाँ पे पहचान कर सकते हैं कि ये गर्भवती महिला 3 से लेकर 6 माह की है और इनका वीक जो चल रहा है वो 14 से लेकर 27 चल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे रेड कलर दिया गया है जो थर्ड ट्राइमेस्टर की गर्भवती महिला होगी, जो 6 माह से लेकर 9 माह की गर्भवती महिला होगी, जिनमें आपको रेड कलर दिखाया जाएगा, तो इससे आप लोग पहचान कर सकते हैं ये जो गर्भवती महिला है वो थर्ड ट्राइमेस्टर की है और इनका वीक आप लोग यहाँ पे 27 से लेकर 42 देख सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सी गर्भवती महिला को हम पहचान करें कि वो किस ट्राइमेस्टर की है, कितने माह की है, तो आप लोगों को यहाँ पे कलर के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको काट देते हैं। काटने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो गर्भवती महिला की लिस्ट दी गई है उनके सामने आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है जिसमें रेड, येलो और इस प्रकार के जो साइन दिए गए हैं, तो इसी से आप लोगों को पहचान करनी है ये जो महिला है वो किस कैटेगरी की है, यानी कितने महीने की गर्भवती है, ठीक है। तो जैसे कि इस गर्भवती महिला
महिला का आगे रेड कलर दिया गया है, तो ये 6 माह से लेकर 9 माह की गर्भवती महिला है, इससे आप लोग पहचान कर सकते हैं। येलो कलर का जो साइन दिया गया है, इससे आप लोग पहचान कर सकते हैं कि ये जो गर्भवती महिला है वो 4 माह से लेकर 6 माह के बीच की गर्भवती महिला है। तो इसी प्रकार से इस कलर कोडिंग को यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे 3 डॉट के नीचे यहाँ पे वेरीफाई या सत्यापित लिखा हुआ आ रहा है, तो यह भी एक न्यू अपडेट है। अब जितने भी लाभार्थियों का आप वेरीफिकेशन करेंगे तो आप लोगों को कहीं चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आपको दिखाएगा कि जो लाभार्थी है उनका आधार वेरीफिकेशन सत्यापित हुआ है या नहीं, वो चीज़ें आप लोग को यहीं पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जिनका सत्यापित नहीं हुआ रहेगा वो आप लोग को यहाँ पर अनवेरीफाइड लिखा हुआ आएगा। तो इस प्रकार से आपको पहले अपडेट में यह सारी चीज़ें दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चों वाली कैटेगरी है उनमें भी आप लोग को यहाँ पे जो कलर कोडिंग है आप लोग को दिखाया गया है। चलिए यहाँ पे हम किसी एक बच्चे की कैटेगरी को ओपन करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी देख पाएंगे कलर कोडिंग यहाँ पे भी दिया गया है कि कलर के माध्यम से बच्चे की पहचान कर सकते हैं कि वो बच्चा किस कैटेगरी के है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आई बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सैम मैम बच्चों की पहचान किस प्रकार से कौन से कलर से करनी है, अधिक वजन का जो बच्चा होगा वो कौन से कलर में दिखने को मिलेगा, मोटापा जो बच्चे का है उसको कौन से कलर से पहचान करेंगे, जो सामान्य बच्चे हैं उनको कौन से कलर से पहचान करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को न्यू अपडेट में ऐड कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बच्चों की कैटेगरी को ओपन करेंगे ना तो सारी चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो ग्रीन कलर में है, बाकी जो कलर दिखाया गया है अगर वो बच्चे उस कैटेगरी में रहते हैं तो आप लोग को वहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो सारे बच्चों में आप लोगों को ये कलर कोडिंग दिया गया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट, जो दूसरा अपडेट है वो क्या है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा अपडेट है आप लोगों को यहाँ पे कंसेंट टेक्स्ट इज एडेड इफ़ द डिवाइस इज इन डीबग मोड, तो ये डीबग मोड के बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि डीबग मोड क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो अपडेट है THR और SCM डाटा सिंकिंग इशू फ्रॉम ऑफलाइन मोड इज फिक्सेड, यानी कि तीसरा जो अपडेट है वो आप लोगों को THR और SCM में आया हुआ है। चलिए इसके बारे में हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप पे समझते हैं। तो यहाँ पे हमने पोषण ट्रैकर ऐप में जो THR और SCM वाली कैटेगरी है इसको ओपन कर लिया है, जिसमें कि आप लोगों को THR और SCM में जो सिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि लाभार्थी को आप लोग THR देते थे SCM देते थे और सबमिट करते थे तो आप लोगों को वहाँ पे जो ऑफलाइन मोड में डाटा आप लोगों का वहाँ पे नहीं ऐड हो रहा था, तो उसको आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यानी कि वो प्रॉब्लम आप लोगों की ठीक हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे गर्भवती महिला के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे THR वगैरह देते हैं अभी तो यहाँ पर नहीं खुल रहा है क्योंकि इनको पहले THR दिया जा चुका है, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर THR वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उनको सबमिट करेंगे तो ऑफलाइन मोड में यानी कि आप लोग नेट बंद करके उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फिर आप लोग नेट को ऑन करके जो डाटा है उसको सिंक कर सकते हैं, यानी कि उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए तीसरा अपडेट हो गया, ठीक है। अब जो चौथा अपडेट है इसके बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो चौथा अपडेट है, जैसे कि आधार वेरीफिकेशन एरर मैसेज इशू हैज़ बिन फिक्सेड, यानी कि जब आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का आधार वेरिफिकेशन करते थे तो वहाँ पे आप लोगों को एक मैसेज एरर का देखने को मिलता था, तो उसको यहाँ पे ठीक कर दिया गया है। अब आप लोगों को आधार वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग आधार वेरिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। और जो पांचवा अपडेट है आप लोगों के लिए ऐप ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि ऐप ऑप्टिमाइजेशन जो है आप लोगों के पोषण ट्रैकर ऐप में जो कुछ प्रॉब्लम होती है उसको ठीक किया जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिला के आप लोगों के लिए 5 अपडेट आए थे जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आप सभी लोग इस पोषण ट्रैकर ऐप का जो न्यू अपडेट आया है इसको आप लोग अपडेट कर लीजिए और पोषण ट्रैकर ऐप पे आसानी से काम कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।